Hello everyone, my name is Trupti and once again I welcome all of you in my beautiful channel NPC, the channel where I can learn all the concepts related to physics. Okay, so after we have completed the chapter first, quick revision, MCQs, assertion, reason and case study based question, we will move to the next chapter. Okay, electrostatic potential and capacitance. This is the chapter number second. Okay. And yes, if you want to watch that videos, then please go to the description box. In description box, there will be a link. Just click this link. You get all the videos related to chapter first. Okay. So don't waste your time and फटाफट से start करते हैं chapter second electrostatic potential and capacitance का quick revision. Okay. So first point will be electric potential difference. Okay. Electric potential को पढ़ने के पहले हमने electric potential difference पर discuss किया था. Okay. Potential difference क्या होता है? So simply the difference of potential between the two points in an electric field is defined as the amount of work done in moving an unit positive charge from one point to another point against the electrostatic force. ठीक है, simply आपके पास two points हैं. ठीक है, first of all तो आपके पास ये charges हैं, okay, positive charge and positive charge. जो भी आप ले रहे हैं, negative charge हो तो negative charge भी ले सकते हैं. electrostatic force positive charge के लिए repulsive होगा. okay, so यहाँ पर repulsive force work करेगा. अब repulsive force के अगेंस्ट, ठीक है, इस इन चार्जेस के बीच में हमने टू पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. नाउ द क्यू नॉट, हमारा जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसीलिए हम बोलते हैं उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, तो उसे हमने पॉइंट ए पर रखा. ओके, अब पॉइंट ए से बी तक जाना है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन ये है, बट इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने में जो वर्क डन स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से. ठीक है, वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज रिप्रेजेंट बाय द वी बी. ओके, एंड वी ए, सॉरी, एंड एट पॉइंट बी वी बी. सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फाइनल पॉइंट बी है, डेस्टिनेशन पॉइंट बी है. ओके, सो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ओके, ए टू बी, हम ए टू बी वर्क डन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हो गया ए टू बी बाय द एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो फोर्स पॉइंट क्यू को, क्यू नॉट को ए से बी तक ले जा रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, एंड बाय क्यू नॉट, वेयर डब्ल्यू ए बी इज द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में ही पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है. सो लेट अस सी दिस टॉपिक. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, एट एनी पॉइंट इन द गिवन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो किसी भी रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस के जो टू पॉइंट्स हैं, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले तो पॉइंट ए पर रखा था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बट अब हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं ताकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपको जीरो मिले, या ज्यूम है. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो अज्यूम किया गया है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, देन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. इसीलिए हमने ये वाला जो पॉइंट है वो अज्यूम किया है. देन वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, देन वी बी इज इक्वल्स टू होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, सो डब्ल्यू बाय क्यू नॉट. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, सो दिस इज द वर्क डन, फॉर वर्क डन इट इज जूल एंड फॉर चार्ज इट इज कूलम, सो जूल पर कूलम, एंड अदर यूनिट इज वोल्ट. ओके,
नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा. ओके एंड इट इज अ कंजर्वेटिव. ठीक है, ये कंजर्वेशन लॉ पर फॉलो होता है. ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ओके नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू. ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सो पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट पी लाइन अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट. मीन्स आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, डायरेक्शन किस तरह से मैटर होगी ये हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक में. ओके हमने सपोज किया कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है. कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वी इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर. ओके ये पूरा आपने डेरिवेशन किया है बट अभी आपको क्विक रिवीजन में ओनली फार्मूला ही लर्न करना है क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो एमसीक्यू पर बेस्ड है. ओके सो आपको ओनली फार्मूला लर्न करना है, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सिंपली पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है. ओके नाउ पोटेंशियल ये मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए. अब देखो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक चलती है? मीन्स पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव को मिलती है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव को हम जनरली हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में. ठीक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल अभी पढ़ रहे हैं तो हम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होती है किसी चार्ज पर वो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया. ओके नाउ नेक्स्ट, फोर्स इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए जो फोर्स, एक्शनल फोर्स होगा वो अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. ओके, टोटल वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो. ठीक है, मीन्स एक सर्कल में भी आप करते हैं, अगर एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट लिया आपने, ऐसे स्टार्ट किया अगेन ए पर आए तो आपने टोटल वर्क डन तो कुछ किया ही नहीं. ठीक है, तो राउंड ट्रिप में जो भी वर्क डन होगा दैट इज जीरो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्ज. अभी तो ओनली वन चार्ज था बट एक सिस्टम है जिसमें एन चार्जेस हैं तो उसके थ्रू पोटेंशियल क्या होगा? ओके सो हमने सपोज किया एन पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू क्यू एन एंड हुज पोजिशन वैक्टर. ठीक है, मीन्स उसका जो डिस्टेंस है वो आर वन आर टू आर एन रेस्पेक्टिवली. ओके सो द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल ड्यू टू एवरी पॉइंट. ओके सो वी वन के लिए के क्यू वन बाई आर वन हो जाएगा, वी टू के लिए के क्यू टू बाई आर टू एंड सो ऑन के क्यू एन डिवाइडेड बाई आर एन. यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको वेक्टर साइन यूज नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्लस माइनस, जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन को आप यूज करेंगे. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. ओके इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. ठीक है, पॉइंट चार्ज के बारे में हमने स्टडी किया, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, बट डाइपोल के लिए क्या होगा? ओके तो सिंपल हम कंसिडर करते हैं एक डाइपोल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ओके दिस इज द डाइपोल. अब ये डाइपोल है आपके पास और इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब अगर हम एक्चुअल में या इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर कंसिडर करना चाहें तो वो भी हो सकता है, बट जनरल फॉर्मूला जो होगा वो इस डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू देगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. ठीक है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू दैट पॉइंट इन विच वी वॉन्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके मीन्स आर की जो आर क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करना है. ओके एंड के इज द कॉन्स्टेंट, पी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट. ओके पी इज द डाइपोल मोमेंट एंड कॉस थीटा, हियर थीटा इज द एंगल. ठीक है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर डाइपोल के सेंटर से एंगल है जो पॉइंट आप कंसिडर करना है. जैसे आपने कंसिडर किया है एक्सियल के लिए, तो एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री. ठीक है, और अदर कोई भी पॉइंट लें किसी भी एंगल पर
तो एंगल यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और कैलकुलेशन के बाद आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी. ओके सो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा की वैल्यू को 90 पुट करना है. सो 90 कॉस 90 इज जीरो, सो पोटेंशियल विल बी जीरो एट द पॉइंट विच इज लाई ऑन द इक्वेटोरियल. ओके नाउ फॉर एक्सिस, एक्सिस के लिए थीटा जीरो हो जाएगा. सो कॉस जीरो वन. ओके सो बी इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर. दिस इज टू इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. ओके फॉर डाइपोल. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल. एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है. अब उसकी उस पर चार्ज क्यू है एंड रेडियस आर है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा इन साइड द शेल, सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ शेल एंड आउटसाइड शेल. ठीक है, तो इन साइड के लिए वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा. ठीक है, वेयर आर इज आर, जो कैपिटल आर है, जैसे इस तरह से हमने बना दिया कैपिटल आर है, वो सरफेस के लिए रेडियस है. ठीक है, अब यहाँ पर जो आप आर लेंगे विच इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द सरफेस. ओके, सरफेस पर हो जाएगा के क्यू बाई आर एंड आउटसाइड हो जाएगा, अब स्मॉल आर रेडियस सपोज करते हैं, तो स्मॉल आर के क्यू बाई स्मॉल आर. हियर आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल. ओके सो दिस इज डन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको इस टॉपिक से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं एंड केएस स्टडी वेल्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, असर्शन रीजन के भी. ओके तो इस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे. इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है? ओके सो द सर्फेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट. एक ऐसा सर्फेस जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाए पोटेंशियल सेम हो. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की. फर्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है. अब पोटेंशियल एट पॉइंट हम ए एंड बी कंसिडर करते हैं, तो ए पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, ठीक है, एंड बी पर भी वैल्यू सेम होगी के क्यू पर बाई आर, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है हर पॉइंट पर. पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो होगी. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज. अब इस सरफेस पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है. ठीक है, तो मूव तो हो जाएगा बट वर्क डन जीरो होगा. ठीक है, वर्क डन क्यों जीरो होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड by the work done. ठीक है, potential difference is equals to work done by the external force due to point A to B. ठीक है, so divided by Q naught. अब W जो work done zero कैसे होगा? तो difference जो है वो zero है, then work done is also zero. Okay. Now next point, for any charge configuration, electric field is always perpendicular to the equipotential surface. ठीक है, अब कोई भी charge configuration ले ले, point charge ले ले या line charge ले ले. ठीक है, point charge के लिए equipotential surface कैसा बनेगा? Sphere के shape में. ठीक है, ये point charge है और इसमें से electric fields बाहर आएंगे. ठीक है, तो इस तरह से equipotential surface बनेगा. और equipotential surface के लिए जो electric field lines है वो हमेशा perpendicular होंगी. ओके, अब line charge के लिए तो cylindrical shape बन गया. line charge के लिए यहाँ पर positive charge है तो away from the चार्ज होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर होता है. नाउ नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके कारण भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड होंगे एंड विच इज नॉट पॉसिबल. ओके नाउ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, अब उस पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मीन्स रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द ओरिजिन. ठीक है, नाउ दिस इज डन. एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर. दिस इज द फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास मोर देन टू चार्जेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जाती है सिंगल चार्ज के लिए. ठीक है, तो हमने क्या किया कि टू चार्ज का एक सिस्टम है और उससे हम कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से एक रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट पर ला रहे हैं. ठीक है, तो टोटल जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डिफरेंट चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके मीन्स एक सिस्टम ऑफ चार्ज को हमने इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेकर आए. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस.
ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें टू पॉइंट चार्जेस हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू जो है वो फॉर्मूले के थ्रू इस तरह से डिफाइन होगी, यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये टू चार्जेस के लिए, अगर एन चार्जेस हैं देन यू इज इक्वल टू के तो कॉन्स्टेंट है, अब क्यू वन क्यू टू ये चेंजेस हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आई जे आई को आप इंटीजर कंसिडर कर लेंगे, मीन्स वन टू एन, एंड जे को वन टू एन, बट आई एंड जे कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आई आप वन ले रहे हैं तो जे को आपको टू लेना पड़ेगा, ओके, इज इक्वल टू नहीं हो सकते, और मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड इज क्यू इंटू वी। ठीक है, वेयर वी इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड के लिए, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल इतना होगा, बट टू चार्जेस हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू वन इंटू वी वन प्लस क्यू टू इंटू वी टू प्लस क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फॉर टू चार्जेस के लिए एंड सिंगल चार्ज के लिए क्यू इंटू वी। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए। ठीक है, आपने सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा, टू चार्जेस के लिए पढ़ा, टू इक्वल चार्जेस के लिए पढ़ा, बट डाइपोल के लिए टू ऑपोजिट चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, देन क्या होगा? सो फॉर्मूला ये आपको यूज करना होगा, यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ओके, ये फॉर्मूले सब आपको लर्न करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि लर्न करना है आपको, क्योंकि डेरिवेशन इस बार नहीं आएगा, इसीलिए फॉर्मूलेस को आपको पहले लर्न करना है। यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ओके, सो थीटा वन की वैल्यू अगर 90 रखें सो यू थीटा की आपको वैल्यू मिलेगी पी माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, 90 पुट करेंगे सो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मिलेगा आपको, और जीरो पुट करेंगे तो मिनिमम टॉर्क मिलेगा, और 180 डिग्री पुट करेंगे तो टॉर्क जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? ओके, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, इट्स किसी भी तरह का, किसी भी शेप का हो सकता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और चार्जेस को। ठीक है, इसे किस तरह से बनाया जाता है? तो टू कंडक्टिंग प्लेट्स को आप कंप्रेस करते हो एंड उसमें इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, देन आपको कैपेसिटर मिलता है। ठीक है, कैपेसिटर की एबिलिटी क्या होती है? ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, इफ चार्ज क्यू इज गिवन टू अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। ठीक है, चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो यहाँ से इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी विल यूज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ओके, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, एंड सी इज द एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस एट, और वी कैन से एनर्जी। ओके, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नाउ द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप साइज एंड ज्योमेट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है, जैसे इसी तरह से कि आपका जो फॉर्मूला बना है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बना है उस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, शेप पर, साइज पर एंड ज्योमेट्रिकल कंडक्टर पर डिपेंड करती है, एंड सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड, इसे एफ से डिनोट करते हैं, एंड फराड जो है वो काफी लार्ज यूनिट है, तो इसे स्मॉल यूनिट के लिए हम माइक्रो फराड, नैनो फराड या पिको फराड यूज करते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो फराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 फराड, 1 नैनो फराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 फराड, एंड 1 पिको फराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 फराड होता है। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटर के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, एंड वेरिएबल कैपेसिटर के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, उसके लिए जो कैपेसिटर होगा दैट इज सी इज इक्वल टू 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। पॉइंट नंबर 8, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा? ओके, तो सिंपली जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में एंड एप्सिलॉन के बारे में पढ़ रहे थे, और एप्सिलॉन आर भी पढ़ा था हमने, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही आप डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते थे, और रिलेटिव परमिटिविटी एंड ये के बीच का जो डिफरेंस है, जो रिलेशन है, वो इस तरह से हमने डिफाइन किया था, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, मीन्स मीडियम के लिए परमिटिविटी डिवाइडेड बाई वैक्यूम के लिए परमिटिविटी इज इक्वल्स टू द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भी सेम है, के प्लेस पे तो के ही रहेगा, बट एप्सिलॉन के प्लेस पे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, सो सी डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक मीन्स मीडियम, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम इज इक्वल टू के, एंड इट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।
ओके नाउ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इस पॉइंट में, इस टॉपिक में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगी, ठीक है। अगर आप ये कंडक्टर लेते हैं तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होगी एंड सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके। यही पॉइंट आपको इसमें सीखने का है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैसे भी आपको स्टडी कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो कंप्राइज टू मेटल प्लेट्स लिया आपने, ठीक है, और इस तरह से इसे कंप्राइज किया और इन प्लेट्स के एरिया हमने ए कंसिडर कर लिया, सेम एरिया कंसिडर किया और दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है। ओके सो पैरेलल प्लेट का जो एबिलिटी है स्टोर करने की, चार्जेस को स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिफाइंड इन एयर इज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी। ओके हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट्स। ओके नाउ व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज फिल्ड, अब हमने मीडियम भी इंसर्ट करवा दिया इन प्लेट्स के बीच में, देन वॉट विल बी द फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन को जो रिलेट करता है दैट इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, डायलैक्ट्रिक मीडियम। सो के जो रिलेट करता है एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू के, तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे या एप्सिलॉन के प्लेस पे हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं फॉर मीडियम एंड ए इज द एरिया एंड डी इज द डिस्टेंस। ओके सो मीडियम के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एंड वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड, अगर इस कैपेसिटर में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने पार्शियली कोई मीडियम फिल किया है, ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है ये कम्प्लीटली फिल्ड के लिए, ठीक है, कम्प्लीटली हमने किसी मीडियम को फिल किया है तो फॉर्मूला ये होगा, बट पार्शियली अगर किसी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, डायलेक्ट्रिक मीडियम आप इंसर्ट करवाएं पैरेलल प्लेट में, देन फॉर्मूला होगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा वेयर d इज द थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। ओके जैसे इस तरह से हमने प्लेट ली और इनमें यहाँ पर पार्शली एक डायलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो इसका जो थिकनेस है दैट इज t। ओके नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सो कॉम्बिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस के लिए जैसे हम आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस, ओके रेजिस्टेंस का ठीक ऑपोजिट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है, बट कैपेसिटेंस में क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पर चार्जेस सेम होंगे, इस तरह से सीरीज में कैपेसिटर्स हैं C1, C2। ओके अब यहाँ पर टोटल आपको नेट या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटर फाइंड करना है, सो रिजल्टेंट कैपेसिटर को फाइंड करने के लिए टू कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी, दैट इज चार्ज सेम होगा, दोनों में चार्ज क्या होगा सेम होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंट होगा V1 एंड दिस इज V2। ओके पोटेंशियल डिफरेंस होगा और चार्ज यहाँ सेम होगा तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूले में वी पोटेंशियल और चार्ज का जो फॉर्मूला है रिलेट करता है एक दूसरे को उसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज को। कौन सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी वी हमने पढ़ा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो C यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। ओके बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, सो वी है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ओके दिस इज फॉर 3 कंडक्टर, ओके 3 कैपेसिटर। नाउ फॉर 2 कैपेसिटर दैट इज डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ऐड करना है C = C1 × C2 / C1 + C2। ओके नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसका जस्ट आप वाई से वर्षा कर देंगे, ठीक है, मीन्स चार्जेस यहाँ सेम होंगे तो चार्जेस इधर डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, सो डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऐड करना है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नाउ लास्ट टॉपिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं बट कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी गिवन होती है U = 1/2 CV² वेयर सी इज द चार्ज, सॉरी सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल एंड क्यू इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। ओके और वी कैन से U = 1/2 QV and Q² / 2C ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सभी फॉर्मूलेज किसकी हेल्प से हमने बनाए हैं, Q = CV, ठीक है, इसकी हेल्प से हमने इस तरह से 3 फॉर्मूलेज बना दिए इलेक्ट्रिक
एनर्जी के, ठीक है। नाउ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? सो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ओके, एंड एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला यू इज इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई। ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द कॉन्स्टेंट टर्म, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, नाउ दिस इज डन फॉर चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सभी पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स जिसने भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सभी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम MCQs, assertion reason and case study based के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।